वेल हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग तोशिबा के 50U 4K अल्ट्रा HD टीवी की। दोस्तों तोशिबा एक जापनीज ब्रांड है, पर ये टीवी मेड इन इंडिया है, तो जापनीज चीज़ें आपको पता ही कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आप एक ऐसा टीवी लेने के लिए सोच रहे हैं जिसका साइज बहुत बड़ा हो जाए, तो ये 50 inches का है, उसके अंदर स्मार्ट टीवी के सारे फीचर्स हों, एक्सपेंसिव टीवी के सारे फीचर हों, पर आपको उसका प्राइस इतना ज़्यादा ना देना पड़े, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। नेटफ्लिक्स, एलेक्सा, बेजलस डिज़ाइन, स्क्रीन मिररिंग और ना जाने क्या क्या फीचर्स के अंदर मिलते हैं, सारी की सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। पर सबसे पहले दोस्तों करते हैं इस टीवी की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है, ओके, तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीवी को ऑलरेडी मैंने निकाल दिया है, साथ में क्या क्या आता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अपने टीवी को वॉल माउंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एसेसरीज देखने को मिल जाती हैं, यहाँ आपको वारंटी कार्ड देखने को मिलता है और टीवी की मैनुअल देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर टेबल टॉप स्टैंड देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी है दोस्तों और बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं हमें इनको लगाने के लिए, और साथ में कुछ बैटरीज मिल जाती हैं, और ये रहा हमारा रिमोट जिसमें आपको बहुत सारी हॉट कीज देखने को मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने टीवी को अनरैप कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने अनरैप कर लिया है, तो तोशिबा न्यू अरावल 50U 50। इसके अलावा दोस्तों ये 43 और 55 इंचेस में भी अवेलेबल है। वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ, उसकी भी सारी की सारी खास बातें करेंगे, पर सबसे पहले इन स्टैंड्स को लगाते हैं अपने टीवी में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके जो बेल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और काफ़ी प्रीमियम फील जो है आपके टीवी को ये देने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इनको यहाँ पर कस लिया है। अब हमारा टीवी जो है पूरे तरीके से रेडी हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ जो आप यहाँ पर सबसे पहले नोटिस करेंगे, इसके जो बेजल्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, काफ़ी स्लिम एंड ड्रिम बेजल्स हैं। ज़्यादातर इस तरह के जो बेजल्स हैं हमें महंगे टीवी में ही देखने को मिलते हैं, पर इस प्राइस रेंज के अंदर ये बेजल्स का होना काफ़ी बड़ी बात है, और ये साथ में काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव लुक भी हैं जो हमारे टीवी को देते हैं। तो आप इसे चाहे वॉल माउंट करें या फिर टेबल पर रखते हैं, तो बेजल लेस डिज़ाइन का होना आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और टीवी काफ़ी ज़्यादा स्लिम भी है, तो ये फॉर्म फैक्टर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंड जो है इसको काफ़ी एट्रैक्टिव लुक देता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको तोशिबा की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। बैक की बात करते हैं तो पूरा का पूरा मटेरियल जो है प्लास्टिक ही है, और जो क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कहूँगा कि फाइन है, ओके है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने टीवी को यहाँ पर वॉल माउंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर वायर की बात करते हैं तो ये डिटैचेबल नहीं है, हालांकि होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और यहाँ पे आपको AV इन के लिए पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे कनेक्टिविटी पोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने मेंशन किए हैं नाम वगैरह, जितने भी पोर्ट्स हैं। एंटीना पोर्ट मिलता है आपको, 3.5 mm के पोर्ट मिल जाते हैं, 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं, लैंड पोर्ट मिल जाता है। तो पोर्ट और कनेक्टिविटी के बाद करें तो काफी सारे पोर्ट्स आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से करते हैं अपने टीवी को बूट अप। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत जल्दी बूट होता है, और जैसे आप टीवी को ऑन करते हैं ना और कोई भी वीडियोस पे प्ले करते हैं, तो उसका जो बेजललेस डिजाइन है ना कमाल का लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की और स्पेसिफिकेशन की। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो यहां पर प्रोसेसर की बात करें तो कोर्टेक्स A53 64-bit का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। GPU की बात करते हैं तो यहां पर Mali 470 का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। रैम की बात करते हैं तो 1.5 GB की रैम इसमें अंदर हमें देखने को मिल जाती है, और इसके अलावा स्टोरेज की बात करते हैं तो 4 GB की स्टोरेज इसमें हमें देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको मिलता है विडा OS, जो कि तोशिबा का खुद का OS है, और उन्होंने स्पेशल इन टीवीज के लिए इसको डिजाइन किया है। तो यहां पर कोई भी फालतू एप्स आपको देखने को नहीं मिलती है, तो स्टोरेज की जरूरत भी आपको यहां पर ज्यादा नहीं पड़ने वाली है, बस आपको वही एप्स ये देते हैं जो कि आपकी काम की है। क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एप्स होने की वजह से वो बूटअप होने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, और काफी ज्यादा इस तरह की चीजें उसमें भर जाती हैं, पर यहां पर इसको काफी ज्यादा सिंपल और इजी रखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 3 गुना ज्यादा जल्दी बूटअप होता है नॉर्मल टीवी से, और 20% क्विक चैनल सर्च करता है। जैसा कि ये तोशिबा का खुद का OS है, तो आपको अपडेटिंग के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, रेगुलर अपडेट आपको इसकी मिलने वाली है। इसके अलावा स्क्रीन और ऑडियो को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे कि हमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, CO4K HDR इंजन मिल जाता है,
स्ट्रीमिंग का सपोर्ट मिल जाता है, HDR भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा AMR एक्टिव मोशन एंड रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी भी हमें इसमें देखने को मिल जाती है, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ऑडियो की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। दोस्तों आपको पता ही होगा कि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जो हमें जिस भी टीवी में देखने को मिलता है तो कितनी जबरदस्त क्वालिटी जो है उसकी आती है। इसके अलावा 30 वाट के स्पीकर भी इसके अंदर लगे हुए हैं, जो हमें बहुत ही गुड क्वालिटी साउंड देते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर हमें स्क्रीन मिररिंग भी देखने को मिल जाती है, तो अपने फोन को आप इसके साथ डायरेक्ट पेयर कर सकते हैं। बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप एलेक्सा को यूज करते हैं या फिर इस टीवी में यूज करने वाले हैं तो ये टीवी आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। साथ में 5G वाईफाई, ड्यूल बैंड वाईफाई भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, यानी वाईफाई के जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। तो खैर दोस्तों फीचर्स की बात तो हो गई, अब चलिए जल्दी से मैं आपको इसकी होम स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये टीवी जो है किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे टीवी को आप ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके की होम स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, यूट्यूब, Zee5 वगैरह आपको सारे के सारे जो ऑप्शन हैं ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ नेटफ्लिक्स की जो सीरीज हैं उनको भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स तो खैर मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स तो मैं फाइनली देखने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर अमेजोन प्राइम की तो वो भी आपको यहाँ पर ऊपर ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट जो है साइन इन कर लिया है और सीरियसली दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। एक चीज़ जब भी आप ये टीवी लेंगे तो एक नोटिस करेंगे कि इसका जो स्क्रॉल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसकी जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे कि जैसे हम यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो बहुत जल्दी जो है स्क्रॉल होता है। ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा इस टीवी की पसंद आई। नॉर्मली क्या होता है कि टीवी थोड़ा सा लैगिंग करते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है और ये वीडा ओएस की वजह से है, क्योंकि ये इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर आप Zee5 देखना चाहते हैं तो उसका सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला ऑप्शन आपको मिलता है ऐप्स का, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम, Zee5, हंगामा प्ले, यूट्यूब, इसके अलावा और भी ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर डेली मोशन वगैरह देखते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको ऐप देखने को मिल जाती है। वेदर में आप देख पाएंगे कि आपके स्टेट का वेदर क्या चल रहा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और साथ में अगर आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप ब्राउजर की मदद से कर सकते हैं। यहाँ तोशिबा की ऐप भी आपको देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। क्लासिक शोज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके अलावा न्यूज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, काफ़ी सारी जो है चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पर मेन चीज़ आती है यहाँ पे ऐप्स की, क्योंकि काफ़ी सारी जो ऐप्स का सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो भी आप ऐप आपके काम की है वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो अच्छा खासा जो है आपको कलेक्शन मिलता है। और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप जो है ऐप्स को चुन सकते हैं। गेम्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो काफ़ी सारी गेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इस तरह की गेम्स को प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आप इस टीवी में कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला फीचर है वो स्क्रीन मिररिंग का मिलता है। जैसे कि आपको बताया कि स्क्रीन मिररिंग भी इस फोन में मिलती है, तो आप अपने फोन को डायरेक्टली मिरर कर सकते हैं अपने इस टीवी के साथ, तो ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इनपुट की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमारे HDMI पोर्ट हैं, स्क्रीन मिररिंग है, सबसे आप जो इनपुट ले सकते हैं। मीडिया में जाकर आप जितनी भी अपना मीडिया कंटेंट है उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम के अंदर अगर चलते हैं तो सेटिंग मिल जाती है हमको, यहाँ पे टीवी की सारी सेटिंग्स दी गई हैं। पिक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका HDR डायनेमिक मोड हो गया, HDR डे हो गया, और HDR नाइट हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, सारे के सारे जो है आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि मुझे HDR डायनेमिक ज़्यादा अच्छा लगा तो उसको मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है। इसके अलावा आप अपने मूड के अकॉर्डिंग जो मर्जी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर की काफ़ी सारी प्रोफाइल वगैरह आपको मिल जाती हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल करना चाहते हैं, हाई रखना है आपको, या कॉन्ट्रास्ट कैसा रखना चाहते हैं, शार्पनेस कैसी रखना चाहते हैं, तो हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। शार्पनेस वाला फीचर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो को शार्प कर देता है। इसके अलावा एडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नॉइस डिटेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, मीडियम हाई आप जैसा भी रखना चाहें, तो नॉइस थोड़ी सी कम हो जाती है इससे। और MPG नॉइस डिटेक्शन भी इसमें मिलता है, तो फीचर जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। नॉर्मली इतने फीचर मिलते नहीं हमें इस रेंज के टीवी के अंदर, तो यहाँ पे एक्सपर्ट सेटिंग हो गई। इसके अलावा साउंड की अगर हमें बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ऑडियो से रिलेटेड काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं, और साथ में मैंने आपको बताया कि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ही मिलता है। तो चलिए जल्दी से सुन लेते हैं कि इसका साउंड आखिरकार कैसा आता है।
दोस्तों आपने देखा कि डॉल्बी एटमॉस जो है कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता है। उसके अलावा हेडफोन साउंड मोड सेटिंग भी आपको मिल जाती है। नेटवर्क में चलते हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी नेटवर्क की सेटिंग है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो वाईफाई मैं इससे एक्सेस कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से वाईफाई जो है यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा लैन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। चलिए चलते हैं एसेसिबिलिटी में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है आपकी मेनू की स्कीम कैसे रखना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट मेनू कैसे रखना चाहते हैं, तो बेसिक आपको ये वाली सेटिंग में मिल जाती है। इसके अलावा सिस्टम सेटिंग में मिलते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। सिस्टम पिन, आप अपने टीवी में पिन लगाना चाहते हैं या फिर पेरेंट कंट्रोल के लिए पिन लगाना चाहते हैं तो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लैंग्वेज एंड लोकेशन हो गया, वॉइस सर्विसेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको अमेजोन अलेक्सा अगर सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। और सीरियसली दोस्तों अलेक्सा जो है ना इसे बहुत जबरदस्त वर्क करता है। अलेक्सा व्हाट इज द वेदर टुडे? करंटली इन न्यू दिल्ली इट्स 35 डिग्री सेल्सियस विद पार्टली सनी स्काइज। टुडे यू कैन एक्सपेक्ट मोस्टली सनी वेदर with a high of 37 degrees and a low of 26 degrees. Alexa, open Netflix. Alexa, play some music. Here's a station you might like, Bollywood Party on Amazon Music. दोस्तों इस तरह से सिमिलर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप एलेक्सा से करवा सकते हैं। तो सीरियसली ये तो काफ़ी अमेजिंग फीचर मुझे लगा। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग मिल जाती है। ब्लूटूथ में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग मिलती है। यहाँ पे आप अपना जो रिमोट है उसको भी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीवी ब्लूटूथ स्पीकर्स मिल जाता है जिससे कि आप अपने फ़ोन से डायरेक्टली जो है म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं टीवी के ऊपर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने हेडफोन को इससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम रात को टीवी देखते हैं तो हेडफोन लगा के अगर हम वॉल्यूम सुनना चाहते हैं, आवाज़ सुनना चाहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे अपने सोनी के हेडफोन जो हैं वो यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर लिए। और सीरियसली दोस्तों ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसको बनाती है। आप मान लीजिए गेमिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इसे अनपेयर कर दिया है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आप जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी और सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड, ऑटो डिडक्शन और साथ में अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो रिमोट है वो कैसा है। तो रिमोट में काफी सारे बटन्स आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। यहां पे जो होट कीज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स हो गया, अपना अमेजोन प्राइम हो गया, डायरेक्टली जो है यहां से आप लगा सकते हैं। कई बार होगा था कि घर में हम नहीं हैं तो कोई हमारे एल्डर्स हैं वो लगा रहे हैं, उनको कई बार नहीं आता है तो डायरेक्टली एक की मदद से यूट्यूब वगैरह सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी बटन बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है और सारी की सारी जो कीज दी गई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट कीज हैं। जैसे मान लीजिए एटीएम पे आपको डायरेक्टली स्विच करना है सोर्स की वगैरह। साथ में दोस्तों इस टीवी को आप ऐप की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फोन में ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है और यहां से पूरा का पूरा टीवी जो है वो मैं यहां पर एक्सेस कर सकता हूं। तो ये बिल्कुल स्मार्ट फीचर जो है ना आपको इस टीवी में देखने को मिल जाते हैं। सीरियसली ये काफी ज्यादा बढ़िया है। काफी सारी चीजें जो है जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह सारी की सारी आप एक्सेस कर सकते हैं, अपना सोर्स वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं, इवन अमेजोन एलेक्सा भी आपको एक्सेस करना है तो वो भी यहां से आप कर सकते हैं। तो इस तरह के काफी ज्यादा यूनिक फीचर आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पे पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है तो 1000 टाइम्स ज्यादा आपको कलर्स देखने को मिलते हैं एक नॉर्मल टीवी से और 40 टाइम्स ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहां पे सीवो 4K HDR इंजन भी लगा हुआ है जो करता क्या है कि जो आपके कलर्स होते हैं पिक्चर के उनको उनकी जो शार्पनेस होती है उसको काफी ज्यादा एनहांस करके आपको यहां पर दिखाता है। बात करते हैं अल्ट्रा डिमिंग की, इसकी वजह से आपको ब्लैक कलर काफी ज्यादा डीप ब्लैक दिखाई देते हैं और व्हाइट काफी ज्यादा व्हाइट दिखाई देते हैं। और सीरियसली जब आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें ये काफी बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है। और साथ में HDR का सपोर्ट भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो आजकल आपको पता है कि नेटफ्लिक्स पे भी काफी सारी ऐसी सीरीज हैं जो कि HDR को सपोर्ट करती हैं तो इस तरीके का आप कंटेंट देख सकते हैं। सीरियसली दोस्तों जब 4K HDR पे कंटेंट आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। और आपको पता है कि PlayStation 5, PlayStation 4, 4 Pro HDR गेमिंग को सपोर्ट करते हैं तो वहां पे भी आपको इसका काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। दोस्तों ये टीवी AMR टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है तो कोई भी आप फास्ट मूविंग सीन देख रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी आपको जगर या फिर यहाँ पर लैग जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ जो है मैंने काफ़ी सारे इस तरह की जो सीन्स हैं वो मूवीज़ यहाँ पे देखी पर इस तरह की कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पे फील नहीं हुई तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको याद होगा कि मैंने MEMC टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, ये टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल उसी तरह काम करती है और आपके जो फास्ट मूविंग सीन्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है। दोस्तों पर्सनली मैं आपको बताऊँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है इस टीवी के ऊपर कंज्यूम किया, स्पेशली अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं तो इसका जो स्पोर्ट
स्पोर्ट्स मोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको फील कराएगा। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर अभी आपको मे भी शायद वीडियो में इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, पर स्पोर्ट्स मोड जो है इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए गेम्स खेलते हैं और अगर आप कोई भी इस तरह का वीडियो कंटेंट देखते हैं तो इसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होते हैं, आपको सुपर कॉन्ट्रास्ट बूस्टर मिल जाता है, कलर रीमास्टर मिल जाता है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं ना टीवी में दिए गए हैं। नॉर्मली जो इस तरह के फीचर्स होते हैं हमें एक्सपेंसिव टीवी में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे तोशिबा ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है और सारे के सारे फीचर्स को काफ़ी कम दाम में जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड कराया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो वैसे मुझे लगा था कि इसके व्यूइंग एंगल शायद इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, पर सीरियसली दोस्तों मुझे तो खैर इसके जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, कलर काफ़ी ज़्यादा सही लगे। अगर आप बहुत ज़्यादा साइड में चले जाते हैं वो एक अलग मैटर होता है, पर ऑल ओवर अगर आप एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें तो बिल्कुल भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की। कलर काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होते हैं, 4K कंटेंट अगर आप देख रहे हैं खासतौर पर अगर वो HDR को सपोर्ट करता है तो HDR प्लस जब आप 4K देखते हैं तो वो कंटेंट आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो फास्ट मूविंग सीन की अगर हम बात करें तो कितना भी आप सीन से ऐसा देखेंगे बिल्कुल भी जगर एंड लैग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑल ओवर जो प्राइस रेंज की बात करें तो 50 इंचेस के टीवी के हिसाब से, क्योंकि तोशिबा जो है जैपनीज टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और मैं हमेशा से जैपनीज टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती हैं, तो ये जो चीज़ है इस टीवी को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाती है। और साउंड की जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि डॉल्बी एटमॉस का इसके अंदर सपोर्ट मिलता है, उसकी वजह से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। यहाँ पे जो मूविंग ऑडियो का आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर देखें एक पैकेज के रूप में इस टीवी को तो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग फील होता है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि कई बार हमने ये देखा कि अच्छे टीवी जब भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो ईजिली आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, पर यहाँ पर इस टीवी के साथ ऐसा नहीं है, ये आपको हर जगह अवेलेबल है। यहाँ पर आप रिलायंस स्टोर की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, अमेजोन की बात करते हैं, ऑफलाइन स्टोर की बात करते हैं, तो आपको ये टीवी हर कहीं देखने को मिल जाएगा। तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है प्लेस्टेशन 5 के लिए अच्छा 4K टीवी देख रहे हैं या फिर मॉनिटर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस टीवी को कंसीडर कर सकते हैं। ये 4K 60 हर्ट्ज पर काम करता है, हालांकि 120 हर्ट्ज तो आपको नहीं दे सकता है, पर मैं आपको बता दूं कि PS5 पे जो मोस्टली गेम्स हैं वो 60 हर्ट्ज पर चलने वाली है, 60 FPS आपको देने वाली हैं 4K के ऊपर। तो काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, प्राइस भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों। वैसे ये टीवी 43 और 55 इंचेस में भी अवेलेबल है, तो आप अपने बजट के अनुसार इस टीवी को जो है परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस टीवी के प्राइसिंग की तो उसका जो प्राइसिंग हमें पड़ता है 32,999 रुपीज़। और इस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों जो फीचर ये टीवी ऑफर करता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा दोस्तों तोशिबा की L50 एंड U79 U80 सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप एक बार उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप 18 सितंबर टू 21 सितंबर के बीच में इन टीवीज को बाय करते हैं तो इनके 4K पैनल्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 3 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, यानी कि 4 ईयर की टोटल वारंटी। तो ये तो एकदम स्टील डील हुई। और साथ में ये टीवी अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल, इसके अलावा टाटा क्लिक और काफ़ी सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी, तो आप जल्दी से जल्दी इस टीवी को बाय कर सकते हैं। आपको बस इसका इनवॉइस संभाल के रखना है और आपने अगर इन दिनों के बीच में इस टीवी को बाय किया है तो डेफिनेटली आप जो अपनी वारंटी है उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों तोशिबा के बारे में बता दूं कि 450 प्लस जो सर्विस सेंटर जो है इंडिया में इसके अवेलेबल हैं, तो आपको सर्विस रिलेटेड भी कोई भी इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों आप इस टीवी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इसे बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इस टीवी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन और इसके जो बाइंग लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से इसको बाय करना बिल्कुल मत भूलना। तो खैर दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो खैर यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।